हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जमीन रजिस्ट्री को लेकर दोबारा नया नियम लागू, इस कागज के बिना नहीं होगा खरीद बिक्री। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव के बाद से लोगों को परेशानियां बढ़ गई। इसी बीच एक और नए नियमों को निकल कर आ रहा है, जो सभी जमीन मालिक एवं खरीदने वाले लोगों के लिए यह खबर जान लेना जो है बेहद जरूरी होगा, वरना आप लोग खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ है खबर निकल कर आ रहा है, और फरवरी महीने में नियमों के बदलाव के बाद से अब रजिस्ट्री ऑफिस में मात्र 4 से 5 लोग ही हर दिन रजिस्ट्री करा रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री एक और नया नियम है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को नई गाइडलाइन जारी करने होने के बाद से खरीद विक्रेता हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा 18 बिंदुओं जो घोषणा किया गया है अनिवार्य रूप से जो है कर दिया गया है, जिसका उत्तर हां ना में देना है होगा। नहीं जमाबंदी नियम वाली लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री पूरी तरह से हो रहा है और शपथ पत्र देना होगा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जवाब, मध्य निषेध, जमीन रजिस्ट्री के शपथ पत्र का फॉर्मेट नए तरीके से तैयार कर लिया गया है, जिस पर हाँ या नहीं देने का जवाब होगा। इस शपथ पत्र में स्व हस्ता यानी कि सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। इसमें क्या क्या, जब मंदिर मेरे नाम पर कायम, जमाबंदी सृजन में कौन सा अच्छा ऐसे लेन देन किया गया है, जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम, यदि जमाबंदी संयुक्त रूप से तो हिस्से में कुल भूमि का दान कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि क्या जमाबंदी मेरे नाम पर है, जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष्य संलग्न है, क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से जो है आपको कायम है, यदि जमाबंदी संयुक्त रूप से है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय दान कर रहे हैं, यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो विवरण उल्लेख करें, क्या संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि है, क्या जमाबंदी विक्रेता दान कर्ता के नाम से कायम है, क्या शहरी संपत्ति का होल्डिंग कायम है, क्या होल्डिंग विक्रेताकर्ता के नाम से कायम है, क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित प्लेट अपार्टमेंट है, हां तो यह होल्डिंग के साक्ष्य में संलग्न करना होगा, क्या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, फ्लैट है, क्या भूमि टोपोलैंड से संबंधित है, टोपोलैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य संलग्न करना है, यदि साक्ष्य संलग्न है तो कौन सा दस्तावेज है टोपोलैंड की भूमि की जमाबंदी साक्ष्य का। ये 18 प्रकार का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल है जो फ्रेंड्स जो कि ये शपथ पत्र होगा, तो ये 18 प्रकार का 18 तरह का है और ये 18 को जो है हां ना में उत्तर देना है। जानकारी कैसे लगा कमेंट जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए अपने चैनल को